हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद अनदर पॉडकास्ट। एंड आज जो हमारी गेस्ट हैं वो द दुर्गा कहलाती हैं, और वो इतनी निडर, इतनी कंसिस्टेंट लेडी हैं कि ना मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो आइए चलते हैं और देखते हैं इस पॉडकास्ट को और जानते हैं उनके बारे में। हेलो मैम, नमस्कार। मैम, आपका जैसे हमें पता है कि आप एक एक्टर भी रहे हैं और आप एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं, आप एंटरप्रेन्योर भी हैं, और आपने एक्टिविस्ट का भी रोल प्ले किया है, और आप साइकोलॉजिस्ट के बारे में बहुत अच्छा जानती हैं। तो मैम, हाउ वाज योर जर्नी फ्रॉम स्टार्टिंग टिल नाउ? ओह, इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। आई कम फ्रॉम अ टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली, जो डॉक्टर इंजीनियर के बियॉन्ड सोचते नहीं है फैमिलीज, तो मैं भी उसी फैमिली से थी। बचपन में पैदा होते ही हमें बोल दिया गया था कि आपको डॉक्टर बनना है पर हम डॉक्टर बनने का मूड मेरा 12th तक आते आते ख़त्म हो गया। आई डिडंट वांट टू बी अ डॉक्टर। तो तब एक चांस मीटिंग विद अ गर्ल इन अ ट्रेन, वो होटल मैनेजमेंट कर रही थी, तो मैंने वहाँ से आया, नहीं होटल मैनेजमेंट करेंगे। और बहुत बड़ा बवाल हुआ था घर में, मेरे पेरेंट्स एंड हमारी लड़की होटल इंडस्ट्री में जाएगी, ऐसे कैसे, नहीं नहीं नहीं। तो बट समहाउ इट वॉज द कम्युनिकेशन दैट हैपेंड आफ्टर दैट, मुझे करना था, जिद पकड़ी, मम्मी डैडी को मनाया, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। IHM किया हमने, आई पास्ड ऑल्सो, उसका तो एंट्रेंस भी टफ होता है, तो मिल गया IHM में। एंड उसके बाद जब तक IHM ख़त्म हुआ तब तक होटल इंडस्ट्री से भी मूड ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, बट देन आई वॉज पिक्ड अप बाई ताज ग्रुप ऑफ होटल्स। तो ताज पैलेस दिल्ली में ही जब जॉब के लिए आई मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए, तो वहाँ पे बॉर्डर फिल्म हैड रिलीज्ड बैक देन, उसका उनके जो टीम के लिए वो आरती उतारते ना, उसके लिए मुझे चूज़ किया गया था, आरती उतारो सबकी। दैट वाज द फर्स्ट टाइम इट हिट मी कि मुझे इधर नहीं रहना है, मुझे उधर रहना है, मैं क्यों लोगों की आरती उतार रही हूँ, आई वॉन्ट, या तो वो पहला थॉट आया। एंड देन ऑब्वियसली देन वो एक बार जब थॉट आता है तो एक्शंस आ ही जाते हैं, तो थॉट आया विच लेड टू डिफरेंट एक्शंस एंड दैट लेड मी टू बॉम्बे। बॉम्बे में थैंक्स टू माय IHM डिग्री मुझे सोनी टीवी में जॉब मिल गया, तो वहाँ से फिर जानना पहचानना शुरू किया प्रोड्यूसर्स, अगर वो चैनल में तो बैठे ही थे तो बस फिर वहाँ से स्टार्ट हुई एक जर्नी। फिर आफ्टर अ पॉइंट आई रियलाइज्ड कि बस देयर इज नथिंग वेरी, इसमें दम नहीं है, मतलब ठीक है कितनी एक्टिंग कर लोगे आप, कब तक कर लोगे। दैट लेड मी टू बीइंग अ फिलैंथ्रोपिस्ट एंड दैट लेड मी टू द NGO रूट एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। एक्टर एक्ट्रेस बनी, तो लाइक उसके बीच में पेरेंट्स ने कुछ ना कुछ तो कहा? हाँ हाँ, तो ऐसे आराम से तो ना एक्टर बनने दिया था, जाओ जाओ एक्टर बन जाओ, सभी सोचा एक नहीं था। So what was the initial phase when you started like actress? See, because I had taken a very sensible step of first knowing the industry, job किया मैंने पहले, वो कोई मेरे, see it is never the change that is a problem, जब आप चेंज करते हो तो आप स्क्रैच से स्टार्ट करते हो, वो स्क्रैच से स्टार्ट करना में लोग डर जाते, आपको आदत है इधर तक। अब जब एक्टिंग फील्ड छोड़ी फॉर एग्जाम्पल, तो जो मैं पर आवर कमाती थी, पर डे कमाती थी, वो मेरे को पर मंथ मिला था, पर क्योंकि मुझे सीखना था द क्रिएटिव फील्ड एंड ऑल, आफ्टर आई लेफ्ट एक्टिंग आई बिकेम अ क्रिएटिव डायरेक्टर, तो 25,000 पर मंथ की सैलरी पे आए थे, वो तो मैं 4 घंटे में कमा लेती थी एज एन एक्टर। और फिर वो स्क्रैच से आप एक उधर, वहाँ से फिर एकदम लास्ट लेवल पे, लो लेवल पे चल के सीखना चीज़ें लोगों को पकड़ पकड़ के, तो वो जो एक चेंज मैनेजमेंट होता है वो तो चेंज इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट, कि आप मेंटली से प्रिपेयर हो जाते हो ना कि मुझे स्क्रैच से स्टार्ट करना, कि मैं आई एम नो मोर द हाई फ्लाइंग वॉट एवर आई वॉज, आई हैव टू स्टार्ट, आई एम अ लिटिल बेबी, आई हैव जस्ट बिन बॉर्न, तो आई विल लर्न हाउ टू वॉक फर्स्ट, आई कांट स्टार्ट रनिंग इन द फर्स्ट स्टेप। सो वो जब आपको समझ रहती है तो इट इज़ नॉट सो डिफिकल्ट। एक्ट्रेस नहीं हो आप, तो मतलब आपको अच्छा मिल रहा था कि पैसा भी ठीक था और आपको प्रोफेशन भी वो था, कि जब आपने कहा ना कि मेरे को आरती करनी थी, करवानी थी, सब कुछ सही चल रहा था, बट फिलैंथ्रोपिस्ट इज समथिंग एल्स, लाइक यू
यू गो ऑन टू द ग्राउंड एंड यू हेल्प ईच एंड एवरीबॉडी और चेंज वाज वेरी मिलता नहीं है आ जाता है दैट चेंज नहीं ऐसा नहीं है दैट चेंज वाज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज जो पर्सनालिटी चेंज करना पड़ा मुझे एक एक्टर की पर्सनालिटी एक एक्टर का आउटलुक एक एक्टर का जीवन जीने का तरीका बहुत अलग होता है तो जब मैं नई नई बैंगलोर आई पहले वो करने के लिए एनजीओ मैनेजमेंट करने आई वेंट टू बैंगलोर तो जब नई नई बैंगलोर आई तो आई वाज व्हाट दी हम ब्रांड्स के नीचे बात ही नहीं करते थे तो गुच्ची प्राडाज में हम घूम रहे हैं और सडनली पहुंच गए एनजीओ वाले जोन में वहाँ तो लोग ऐसे थे कि क्या ही काम करेगी दे रोट मी ऑफ इट वॉज अ फुल राइटिंग ऑफ एंड फ्रॉम सडनली बींग द क्वीन यू आर अ नोबडी उन्होंने भी सोचते हैं कि फेम के लिए हाँ कि व्हाट विल शी डू शी कांट डू एनी वर्क ये टिप टॉप रहने वाली इंसान ही क्या ग्राउंड पे काम करेगी दे रूट मी ऑफ इट वाज अ वेरी रूड शॉक बिकॉज एज एन एक्टर आपको ऐसे लगता है वी द एक्टर्स वी आर अबव एवरीबडी एल्स वो एक माइंडसेट होता है एक्टर का पता नहीं क्यों होता है होना नहीं चाहिए बट वो उधर से सडनली यू आर बीइंग थ्रोन एंड यू आर नोबडी वाज अ वेरी डिफिकल्ट जर्नी इनिशियली बट हाँ जब एक्सेप्ट कर लेते हो और जब आप व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग तो चेंजेस आ सकते हैं वो जैसा हिट किया था कि मतलब मेरे को नहीं अब लाइक एक्ट्रेस नहीं बट मुझे लोगों की हेल्प करने कुछ ऐसा था जो आपको सीख मेरे को शुरू से ही ना मुझे बहुत पसंद था हेल्प करना सबका तो वो क्या हुआ जब एक्टिंग छोड़ी मैंने एक्टिंग में मुझे यू नो देयर इज समथिंग कॉल्ड जॉब सेटिस्फैक्शन वो मिलना बंद हो गया क्योंकि क्या ही रैंडमनेस चलता है यू नो हाउ टेलीविजन इज आप क्या ही कर क्या रहे हो आप क्या ही कर रहे हो तो वो जब आया तो सो देन आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी मेरे को ज़्यादा तो नहीं है पर ये मज़ा आता जाने एस्ट्रोलॉजी में जानने बड़ा मज़ा आता है माई सिस्टर शी टुक मी टू एन एस्ट्रोलॉजर तो व्हेन द एस्ट्रोलॉजर सॉ माय कुंडली ही सेड आपके तो कुंडली में ही गिविंग योग है आप रह ही नहीं पाओगे सेवा किए बिना तो जब वो आया तो मैंने बोला हम बाद में खोलेंगे जब थोड़ा और कमा लेते हैं नहीं आप अभी खोलो तो इसके लिए देन आई टुक द एनजीओ मैनेजमेंट रूट कि चलो लेट मी अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री लेट मी डू द कोर्स सो आई हाँ मेंटली मैम जैसे कि लाइक मेरी जनरेशन है आज की और मैं देखूंगा जैसे मैंने इंजीनियरिंग करी है तो वहाँ पर ना हम लोग बहुत मेंटली में स्ट्रेस भी दिया जाता है चीज़ों पर उन्होंने सिखाया भी पुश किया जाता है तो जैसे आज की जो मेरी जो जनरेशन है उसके लिए अब साइकोलॉजी कैसे डिस्क्राइब करोगे आपकी जनरेशन का प्रॉब्लम बड़ा ही वियर्ड हो गया क्योंकि एक्सटर्नल नॉइज बहुत आ गई है हमारे टाइम पे इतना इंटरनेट वगैरह था नहीं व्हेन वी वर ग्रोइंग अप इंटरनेट ही एक्चुअली आया 97 के बाद इंडिया में तो हमको तो जो मम्मी डैडी वगैरह बोल देते थे और अम्मी ना हम बेशरम लोग थे हमें मम्मी ने थप्पड़ भी मारा तो है बाहर आके सब फ्रेंड्स को बोलते थे थप्पड़ पड़ गया क्यों क्यों पड़ गया ये कर दिया था आजकल तो एक वर्ड भी बोलो अगर तो वो भी चुप जाता है वर्ड्स को तो हम तवज्जो ही नहीं देते थे तो हम इसीलिए स्ट्रांग थे क्योंकि हमें पता था सी वो लव्स अस द मोस्ट आवर पेरेंट्स उन थप्पड़ मारा गया होगा कुछ फिर हम जुगाड़ू भी होते थे कि मम्मी थप्पड़ भी ना पड़े और काम भी हो जाए हम अपने दिमाग का यूज़ करना जानते थे आजकल नॉइस में फंस गए बच्चे क्योंकि वो एक्सटर्नल जो आपके वीडियोस और रील्स वगैरह के थ्रू जो एक्सटर्नल नॉइज आई है द वर्ल्ड इज़ बैड नोबडी अंडरस्टैंड्स यू बेचारे वो बेचारगी आ गई है जो विक्टिमहुड आ गया अंदर दैट इज़ अ मेन रीज़न व्हाई टुडेस चाइल्ड इज वेरी डिस्टर्ब्ड बहुत जनरेशन ये सोचती है कि लाइक उनके घर वाले उन्हें नहीं समझते हैं बट लाइक ये चीज़ें समझ रहे आप घर वालों को समझ रहे हो इट्स अ टू वे ट्रैफिक नो पेरेंट्स अपने हिसाब से क्यों वो एक्सपीरियंसड है देखो आज मेरी एज में अगर मेरे बेटे की एज में एक्सपीरियंस का कितना फ़र्क है हमने दुनिया देखी है तो हम अगर वो देख के आपको समझा रहे तो वो आपको आई एम नॉट योर एनिमी आई एम नॉट माई चाइल्ड एनिमी अब जैसे मेरे पेरेंट्स फॉर एग्जाम्पल IHM के लिए ना हुआ था ना किसने ठीक किया कम्युनिकेशन रिपीटेड कम्युनिकेशन मतलब बेशरम अंडरस्टैंडिंग आ जाती है पर पहले कम्युनिकेट तो करो एक बार बोल दिया तो IM द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड सबको सुन लेना चाहिए एक बार में नहीं होता है उनके भी फियर्स है सी सामने वाली पार्टी के फियर्स है बिकॉज दे लव यू सो मच एंड नॉट जस्ट यू उनका पूरा खानदान क्या बोलेगा ये कौन सा पड़ोसी कौन क्या बोलेगा
कौन सा घर वाला क्या बोलेगा, वो सारा दिमाग में रहता होगा। तो एक एक करके लॉजिकली ही उनको आप समझा सकते हैं, इमोशनली नहीं। इमोशनल भी थोड़ा अत्याचार करना होता है, आई लाइक इट ना मम्मी, प्लीज ना मम्मी, बट यू हैव टू फर्स्ट लॉजिकली ब्रेक दैट। उसके लिए आपको एक महीना, दो महीना, तीन महीना, एक साल, जितना लगे टाइम, रिपीटेड कम्युनिकेशन करनी जरूरी है विदाउट फाइटिंग। उनको समझ के कम्युनिकेशन करनी जरूरी है। दे आर नॉट योर एनिमी सेटिंग। उतना पेशेंस है नहीं आजकल, पेशेंस तो हमने मुंह से बोला और हमें अब चाहिए। वो एटॉमिक हैबिट्स ही नहीं है ना पेशेंस वाली। हमारे टाइम पे एटॉमिक हैबिट्स ही अच्छी होती थी। कोई एक गाना देखना है हमको अच्छा वाला, चित्रहार का वेट करते थे हम एक एक हफ्ता, तब दिख जाए तो दिख जाए, वो भी कोई पक्का नहीं होता था। तो मैम बेसिकली जो आप बता रही हो, कम्युनिकेशन गैप नहीं है बीच में, मतलब बच्चों के और उनके माँ बाप के बीच में, पेशेंस की वजह से। हम चाहते हैं कि हम एक बार बोले और सामने वाला एक बार में मान ले, वरना वो मेरा दुश्मन है। ये थॉट, दे डोंट अंडरस्टैंड मी, जो वो एक विक्टिम मूड आ जाता है अंदर। दे डोंट अंडरस्टैंड, दे आर नॉट मेंट टू अंडरस्टैंड यू। खुद मैम आपने बताया कि आज की जनरेशन में कम्युनिकेशन गैप है, तो पेशेंस की वजह से ऑब्वियसली हमने बोला और हमारी बात माननी चाहिए, नहीं माने तो आप विलेन। सामने वाले का डर नहीं समझा, सामने वाले, इट इज़ ऑल अबाउट मी नाउ, इट इज़ नॉट अबाउट अस एनीमोर। तो जब तक वो इट इज़ ऑल अबाउट मी, मैं बेचारा, मैं विक्टिम, और ऊपर से टॉक्सिक पेरेंटिंग और ये सब जो एक्सटर्नल नॉइस आ गई है, डिप्रेशन, नोबडी अंडरस्टैंड्स मी, एंजाइटी, ऑब्वियसली ये सब तो होना ही। यू डोंट थिंक कि सोशल मीडिया पे चलते हुए लाइक उसका फ़ायदा है? बट बहुत फ़ायदा है, बट मुझे ऐसा लगता है ना, फैसिनेटिंग वर्ड्स हैं डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, एक उस टाइम पे तभी नहीं आते थे। लाइक घर में ना एक जना कमाता था, बाकी सब खुशी से रहते थे, और जबकि फायदा तो लोगों के पास बच्चे भी काफी होते थे, वो पांच पांच बच्चे होते थे एक के पास। बुलिंग कब नहीं हुई है? हर बार होती है, मतलब हर जगह। हमारे टाइम में बुलिंग नहीं होती थी, सब होती थी, बट जब बुलिंग होती थी तो हम उनसे बड़े बुली हो जाते थे। यही तरीका था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट था पहले। ये जो एक्स्ट्रा वेस्टर्न नॉइज आई है, हमारे अगर वैदिक आप उसके हिसाब से चलोगे तो अहम ब्रह्मा, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही महेश, तो आई एम द क्रिएटर, सस्टेनर एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ माई लाइफ। आई हैव द यूनिवर्सल एनर्जीज, वी आर सो स्ट्रॉन्ग दैट आर आत्मा डजंट इवन ब्रेक। इतना स्ट्रॉन्ग कल्चर वाले लोग आज छोटी छोटी एक वर्ड पर डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तो हम अपने ही कल्चर से दूर चले गए। हम इतने ज़्यादा वाव हो गया हमारे लिए वेस्टर्न चीज़ें, और बीच में जो हमारे, देखो जो हमारा वैदिक पीरियड था, उसके बाद बहुत कुछ चेंजेस आए, आपके भक्ति मूवमेंट आए, आपके पुराण आए, आपके बहुत कुछ आ गया बीच में, नॉइस आ गई। सो आज का बच्चा साइंस समझता है, आज का बच्चा मैथोलॉजी नहीं समझेगा। तो अगर एक्चुअल वेदों को समझा जाए उनके साइंटिफिक तरीकों से, तो आज का बच्चा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। बट बिकॉज द पुरानिक नॉइस इज हायर, द माइथोलॉजी नॉइस इज हायर, हाँ, माइथोलॉजी को अगर आप सी, पुराण वर रिटन फॉर द जनता जिनको नहीं समझ में आ रही थी संस्कृत वगैरह, तो उनके लिए इजी करके एक स्टोरी फॉर्मेट में बताया गया था। बट अब उसी को सच मान लेना और उसके पीछे की साइंस भूल जाना, वहाँ हम गड़बड़ कर रहे हैं। इट इज़ नॉट अ मिथ, माइथोलॉजी इज डेफिनेटली नॉट अ मिथ, इट इज़ अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द साइंस। सो इफ वी से पार्वती वेंट फॉर 108 जन्म्स टू मीट शिव, वो 108 का बहुत गहरा महत्व है हमारे यूनिवर्सल एनर्जीज में। सो इफ यू सी द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, इट्स 108 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द अर्थ। इफ यू सी दिस डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द मून, इट इज 108 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द सन। तो आपको 108 टाइम्स वो चक्कर लेने पड़ते हैं अगर वो सन का एनर्जी आनी है अर्थ पे, 108 टाइम्स चक्कर लेके आएगी, तो वो यू कैन नॉट स्किप दैट। और सन की एनर्जी मीन्स लाइफ, नो, पार्वती और शिव का मिलन मीन्स शिव इज शव, शक्ति इज योर ब्रीदिंग, योर लाइफ। तो 108 टाइम्स तो करना पड़ेगा।
सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द स्टोरीज ऑफ गणेश की स्टोरी फॉर एग्जाम्पल. गणेश जी वॉज बॉर्न आउट ऑफ एलिमेंट्स. अहंकार आया, बुद्धिहीन, खड़े हो गए, घुसने नहीं दे रहे, विजिद, समझ की, बुद्धि की कमी. वो जो सर काट के एक, व्हाट इज एलिफेंट, एलिफेंट इज अ वेरी इंटेलिजेंट एनिमल. वो कहा जाता है वो इंटेलेक्चुअल होता है, बट क्रिएटर है. हाँ, सो इंटेलेक्चुअल एनर्जी जब दी गई उनको, तो आज उसके बाद क्या हुआ, यू स्टार्ट एनीथिंग, यू स्टार्ट विद गणेश. व्हाई? बिकॉज बुद्धि पहले वो करो, तभी कुछ स्टार्ट करो, वरना मत करो. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड द माइथोलॉजी, बिहाइंड द पुराण्स. सिर्फ ऐसे ही वो करके भी को आज का बच्चा तो कनेक्ट नहीं होगा उससे, क्योंकि उसको साइंस ढूंढ रहा होता. सो एवरीथिंग बिकम्स वेरी इलॉजिकल एंड नॉइस फॉर द चाइल्ड टुडे. तो मेरे को ना ऐसा लगता है कि लाइक जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, उसको थोड़ा चेंज करना चाहिए. ऑफकोर्स करना चाहिए. हमारा एजुकेशन सिस्टम तो है ही पूरा वेस्टर्नाइज्ड. प्रॉब्लम इज विथ आर एजुकेशन सिस्टम. जो हमारे गुरुकुल सिस्टम की एजुकेशन थी वो बहुत ही सिस्टमैटिक एंड ब्यूटिफुल थी. आपको लाइफ स्किल सिखाए जाते थे, आपको हर वो काम सिखाया जाता था जो आप कर सको. और पहले के पुराने ज़माने देख लो आप, उसमें ये बाबूगिरी जो आई है, जो जॉब कल्चर आया है, ये तो ब्रिटिशर्स के बाद आया है. द गवर्नमेंट जॉब्स जिनको हम बोलते हैं, दिस हैज़ कम इन फ्रॉम द ब्रिटिश एरा. उससे पहले कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स होती थी? लोग जीते नहीं थे. आज के आप किसी से पूछ लो, हमें तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए जीने के लिए. क्यों? इवन इफ़ यू गो टू US टुडे, कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स हैं US में? So why is it in India only people are thriving on government jobs only? And how is it helping the nation? I think they are just creating that slaves out of everybody. So government job ki jo need hai, jiski wajah se engineers ban rahe hain, jiski wajah se doctors ban rahe hain, jiski wajah se teachers ban rahe hain, professors ban rahe hain, yehi sab se IAS officers, ye sab job dekho, jo hod machi hui hai sabse zyada inhi fields mein. मतलब मोस्ट ऑफ द लोग बस ये कहते हैं कि लाइक सेफ जॉब में सेफ्टी है मेरे पास, तो मैं गवर्नमेंट में जाऊँगा. और लाइक मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास को ये होता है कि सरकारी जॉब है तो अब आगे मुझे कुछ नहीं करना, रिलेशन वाले सब ठीक. एफर्ट नहीं डालना ना, बेसिकली एफर्टलेस लाइफ चाहिए. तो एफर्टलेस लाइफ, तो फिर अभी आप एक चींटी को देखो, कितना एफर्ट डालती है. शेर को देखो, सर्वाइवल के लिए एफर्ट नहीं डालोगे. उसे सुबह उठ के शिकार तो करना ही पड़ता. वो कौन सा एनिमल है पूरे प्लेनेट पे बता दो जो अपने आप को बेचारा समझता है इंसान के अलावा? कोई है ऐसा जानवर जो बोले हाय मैं बेचारा, काश में चीटी नहीं होती, काश में लायन होती? कोई नहीं सोचता ऐसे, हम ही सोचते. खुद को पहचाना नहीं, एफर्ट डालना नहीं है, फ्री में मुफ्त का खाना है सब बैठ के, तो दुख तो आएगा. दुख तो आएगा, दुख कहीं नहीं जाएगा, आप ही के पास आएगा. डिप्रेशन किसी और जानवर में सुना है आज तक? हाँ, कैप्टिविटी में, ह्यूमन कैप्टिविटी में कोई आ जाए तो दूसरे जानवर भी डिप्रेस्ड हो जाते हैं. हम तो खुद तो डिप्रेस होते ही दूसरों के कर देते हैं. पर जो जंगल में रहते हैं, वेयर द लाइफ इज सो टफ, हैव यू हर्ड ऑफ डिप्रेशन इन एनी एनिमल? कोई भी है एनिमल के पीछे भी, कोई शिकार करता भी तो वो तब भी फाइट मारते हैं कि वो बचे जाए. उन्हें पता है नहीं बचेंगे, बच 90% टाइम बचते हैं. शिकारी होता है जो मरता है बेचारा सबसे ज़्यादा. 90% टाइम जो आपके हिरन वगैरह हैं बच जाते हैं, पर उनके सामने अगर कोई मर भी जाए तो किसी को आत्मविलाप करते देखा है कभी? नहीं. वो तो देख रहे होते, अच्छा मर गया, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बच, थैंक यू, पार्ट ऑफ लाइफ, चलो 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 चलो. वो अगर झुंड में रहते हैं तो उसका बच्चा जो है वो बाकी पूरे जानवर फिर पाल लेते. देर इज नो विक्टिम कार्ड देर. प्रॉब्लम इज विक्टिम कार्ड्स दैट वी ह्यूमंस आर सो गुड एट प्लेइंग. डू यू थिंक स्पिरिचुअलिटी एक अच्छी साइकोलॉजी बिल्ड करती है? ओह यस. सी, स्पिरिचुअलिटी इज अ साइंस दैट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, हेल्प्स सो यू अंडरस्टैंड योर कनेक्शंस, and hence you be the universal power you're meant to be. It makes you a more conscious human being, the higher brain, it activates your higher brain. So spirituality is the best psychology you can dwell into.
तुम डू यू बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी? मेजरली आई बिलीव इन द साइंस बिहाइंड द एग्जिस्टेंस. सो लाइक अगर कुछ होता है तो आप ये मानती हैं कि मतलब लाइक लिखा हुआ था ऐसा कुछ? नहीं, दैट इज नॉट स्पिरिचुअलिटी. नहीं 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 नहीं, दैट इज नॉट स्पिरिचुअलिटी. बहुत लोग होते हैं ना जैसे कि लाइक वो कहते हैं कुछ बुरा हुआ तो ये चलो अच्छे के लिए. हाँ तो लाइफ ये तो नहीं था. लाइफ में अच्छा बुरा, बुरा क्या होता है? जो तुमने प्लान नहीं किया हो गया वो बुरा हो गया. ये जो हम नहीं चाहते थे वो. हाँ तो लाइफ थी वो तो एक सिस्टम है, सिस्टम तो चलता रहेगा. जरूरी थोड़ा ना मैंने जो सोचा वही होना चाहिए. वो गूगली तो भेजेगी लाइफ भैया. एज आई सेड आई लॉस्ट माई हस्बैंड एट द एज ऑफ 26. तो क्या बैठ जाओ विक्टिम कार्ड खेल के कि लाइफ रीसरेक्ट करोगे, क्या करोगे? मैं सीन है वक्त लोग क्या करते कि अब अपनी मेहनत करना बंद कर देते, कहते रहे किस्मत में ही नहीं है. ये भी चीज़ होती है, किस्मत आप खुद बनाते हो. जो स्पिरिचुअल इंसान है ना वो कभी किसी और के भरोसे नहीं बैठेगा, वो अपना कर्म खुद करेगा. अपने एफर्ट मत छोड़ो ना. हमारी गीता में भी लिखा है ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो. अपने कम कर्म तो करते रहो. आज नहीं खुलेगा, चार दिन बाद खुलेगा दरवाज़ा. अगर दरवाज़ा नहीं खुल रहा मतलब मैं गलत तरीके से नॉक कर रही हूँ. तो अपने चेंज करते रहो तरीके उसको खोलने के दरवाजे. आज अगर ये दरवाज़ा ना खुले तो दरवाज़ा खुलना बंद कर दोगे, अंदर बैठ जाओगे, मर जाओगे. You will find ways ना. नहीं तो दरवाजा तोड़ोगे ज्यादा था क्या होगा? करोगे ना कुछ दूसरा नया दरवाजा बना लेंगे. That is what spirituality is. तो मैम from the younger age we should start spirituality. Like parents को बताना चाहिए कि उनको किस तरीके से करनी चाहिए. बेचारे parents, your life skills are spirituality. Self awareness is spirituality. Critical thinking is spirituality. But most of the time, like होते हैं ना बच्चे वो कन्फ्यूज होते हैं कि मैं करना क्या, तो वो इन सब चीज़ों को कैसे चूज करें? खुद को जानो पहले. कट द नॉइज. सुने एक मैं ना मेरे जो पेरेंट्स हैं हमेशा से बहुत स्पिरिचुअलिटी में रहे हैं हमेशा से. तो मैं ना लाइक फ्रॉम 8th और 7th क्लास जब से मेरी चीज़ें थोड़ी पता लगी तो मैं स्पिरिचुअलिटी में हूँ. लाइफ स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक सबसे पहले सबसे बेसिक चीज़ों से कही जाती है हनुमान चालीसा पढ़ना. मैंने वो चीज़ करी. उसके बाद से जब मैं कॉलेज में आया तो मैंने ना लाइक माइंड स्ट्रेस होता था तो मैंने ना बहुत सारी चीज़ें देखी. मैं एक स्टेट बास्केटबॉल प्लेयर भी हूँ अपने कॉलेज में. तो मैंने बहुत सारी चीज़ें करी, फिजिकल भी करी, मेंटल भी करी. बट ना मैंने धीरे धीरे क्या स्टार्ट किया कि मैंने ना इसमें स्पिरिचुअलिटी में मैं थोड़ा पढ़ा, डीप गया. मैंने थोड़े और चीज़ें स्टार्ट करी. मैं अब डेली गीता पढ़ता हूँ. मुझे लाइक एक साल से ऊपर हो जाए मैं गीता पढ़ता हूँ डेली. और आई कंसीडर कि ना चीज़ें बहुत सिंपल हो गई हैं. मैं जिस दिन नहीं पढ़ के निकलता हूँ उस दिन मेरा ना दिन बहुत हैवी लगता है मुझे. और मैं जिस दिन गीता में आप क्या पढ़ते? गीता में बेसिकली मैं डेली में एक श्लोक मतलब लाइक मैं ओपन करता हूँ और मैं डेली मैंने एक चलना एक सेगमेंट मतलब लाइक मैंने स्टार्ट से करा था और बिगनिंग एंडिंग तक जा रहा हूँ मैं. तो मैं एक एक श्लोक डेली पढ़ता हूँ. तो मुझे ऐसा लगता है कि व्हिच इज द योग ऑफ गीता दैट इज योर फेवरेट? बेसिकली मेरी जो चीज़ें हैं वो मेरी सबसे अच्छी चीज़ है. योग योग बेसिकली लाइक गीता इज डिवाइडेड इनटू 18 चैप्टर्स. लाइक एवरी चैप्टर इज डिफरेंट योग. एंड 5th और 6th आई एम नॉट लाइक करेंटली नॉट नोइंग द एग्जैक्ट वर्ड. जिसमें मेन चीज़ ये कि मुझे रिजल्ट पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए. मैं अपनी लाइफ कर्मयोग हाँ कर्मयोग उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हमेशा से डिपेंडेंट रहता था कि यार मैं मेहनत बहुत करता हूँ मेरा रिजल्ट नहीं आता. तो मेहनत आप राइट डायरेक्शन में नहीं कर रहे. तो मैंने वहाँ से चीज़ें देखी तो मुझे आपका जिस दिन स्पिरिचुअलिटी समझोगे कि मैं मेहनत तो कर रही हूँ पर रिजल्ट नहीं आ रहा मतलब मेरी मेहनत का डायरेक्शन रॉन्ग है. क्यों नहीं आ रहा रिजल्ट अगर मैं ठीक मेहनत कर रही हूँ? या हो सकता है मैं जितनी समझ रही हूँ बहुत मेहनत कर रही हूँ, मेहनत है ही नहीं, कहीं एनर्जी की वेस्टेज हो रही है, मेरे समझ की वेस्टेज हो रही है. मुझे लग रहा है वाह कितनी मेहनत कर ली पर एक्चुअली जितनी मेहनत चाहिए उसके सामने मिनिस्क्यूल मेहनत है. क्या होता है हमारे आज की जनरेशन में सबको अंबानी बनना है, सबको एलन मस्क बनना है, पर फिर डिबेट कहाँ जाती है? हाउ मेनी आवर्स इन अ वीक शुड वी वर्क? आवाज कहां से आती है? देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन फैमिली एंड वर्क. तो कैसे बनोगे?
फिर तो 9 to 5 वाला रह सकता है। 9 to 5 भी नहीं रह जाते हो? 9 to 5 भी नहीं रह जाते, फिर इसीलिए गवर्नमेंट जॉब चाहिए होती है। फिर गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, वहां पर तो सैलरी लिमिटेड है, फिर हम वहां पे करप्शन करेंगे और खूब सारे पैसे लेके आ जाएंगे, अधर्मी बन जाएंगे, फिर जब पकड़े जाएंगे तो रोएंगे कि हाय 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 सब गड़बड़ हो गए। सो द वेयर इज इट बिगिनिंग फ्रॉम? इट इज बिगिनिंग फ्रॉम द एवर्जन टू एफर्ट्स। मेहनत नहीं करनी पर पैसे खुद चाहिए, कैसे होगा? कैसे होगा? मतलब ये चीज आती कहाँ से कि लाइक नहीं मुझे मेहनत नहीं करनी बट चाहिए सब कुछ, ऐसा क्यों? ये ह्यूमन नेचर है। ये ह्यूमन नेचर नहीं है, ह्यूमन नेचर बहुत सही है। हम मेहनती लोग थे, हम बहुत मेहनती लोग थे। ये धीरे धीरे करके आपके रील्स देख के, वो उसकी लाइफ देखो, अब आजकल वो अभी आजकल रील्स का जैसे चलन हो गया, आप हर एक दूसरे इंसान को देखो इन्फ्लुएंसर बन के बैठा हुआ, ठीक है? कितने साल? 5 साल बहुत हो गया, तो उसके बाद कुछ नहीं। और मोस्ट ऑफ को तो ये होता है, और आपको आदत होगी, इतने फॉलोअर्स है, ये है वो है, फिर वहां से जब नीचे उतरोगे तब क्या? कोई सोच रहा है प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी क्या है? खोखली जिंदगी जी रहे सब। आप कुछ भी काम करो, सी अंडरस्टैंड पुरुषार्थ, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पुरुषार्थ इज योर वे ऑफ लाइफ रिटन इन वेदर्स। जो सबसे पहले उसमें आता है धर्म, धर्म मतलब ड्यूटीज। अब आप आए हो तो आपकी ड्यूटीज है, खुद के लिए ड्यूटी है, अपनी फैमिली के लिए ड्यूटी है, अपनी सोसाइटी के लिए ड्यूटी है। तो नो मैटर व्हाट यू आर प्लानिंग टू डू, अभी जब हम बोलते हैं ना बिजनेस नया स्टार्ट करो, तो क्या सोच के स्टार्ट करो बिजनेस? बिजनेस अब करना चाहते हैं, सोच कितनी डाल रहे हो? जब तक उसमें सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट की सोच नहीं होगी, बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। आपको वाई पता होना चाहिए। तो स्टार्टिंग फ्रॉम सोसाइटी, देन टेकिंग केयर ऑफ योर फैमिली एंड यू, दैट इज व्हेन यू आर वर्किंग। When you are in the life, in your starting from self, मैं अपने आप को अगर strong नहीं रखूंगी, मेरी family suffer करेगी, मैं और मेरी family suffer करेगी, मेरे आसपास की society suffer करेगी। So it is a balance between the three. सिर्फ मैं करके बैठ जाएंगे तो सभी suffer करेंगे। आपकी generation का मैं का problem है, सिर्फ मैं सोच रहे हैं सब, अधर्मी हो चुके हैं। जब तक ये तीन को बैलेंस नहीं करेंगे, धर्म का रास्ता नहीं अपनाएंगे। उसके बाद आता है काम, आपकी डिजायर्स। आई वॉन्ट टू डू दिस नाउ, वॉट इज योर डिजायर? डिजायर इज मटीरियलिस्टिक, और योर डिजायर इज टू सी अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी? माई डिजायर इज टू सी द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बिकम सक्सेसफुल। इफ यू बिकम अ नेम टुमारो, देयर विल बी नोबडी मोर हैप्पी देन मी, बिकॉज समवेयर आई विल फील दिस इंटरव्यू वॉज द रीजन बिहाइंड इट। Obviously. है ना? सो एक स्टेप था टुवर्ड्स द राइट थिंकिंग, आई विल बी द मोस्ट हैप्पी पर्सन। आज क्या हो रहा है? ओ वो देखो अंबानी, हम जैसे गरीबों के ऊपर, अरे वो मेहनत कर रहा है भाई। तुम भी करो, तुम्हें किसी ने रोका है? आज तो हमारा इंडिया यूनिकॉर्न नेशन है, कितने यूनिकॉर्न्स बने इस साल, है ना? बने हैं, काफी बने हैं, 200 से प्लस है नंबर, मेहनत करके बने हैं, एफर्ट डाला है, दिमाग डाला है, इनोवेशन, दैट इज द रूट अहेड। अब वही हम दिमाग में लेके बैठ जाएंगे, नहीं जी हमें तो गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, फिर तो बस वही रह जाएगा स्पेसिफिक। आपकी काम, आपकी इच्छा तो वो है, पर एफर्ट नहीं डालना है, धर्म पे नहीं चलना है, तो वैसे ही टेढ़ा मेढ़ा होगा। अब ये दोनों को कंप्लीट करने के लिए आपको अर्थ की जरूरत है, पैसे की जरूरत है। अर्थशास्त्र हमारे यहाँ तो कितना अच्छे से लिखा हुआ है, पर पैसों के लिए अलग अलग स्टोरीज डाल रखी है हमने अपने दिमाग में। पैसे वाले सबसे बड़े विलेन होते हैं, जितने भी मूवीज अगर देख लो, जितने विलेन होते थे पहले सब पैसे वाले होते थे, है ना? और कब्जा किए हुए लैंड पे गरीब लोग, मजदूर लोग, बेचारे, वो कब्जा किए, वो खरीदा हुआ है उसने
जो खरीदा हुआ बॉर्डर में नहीं जाके सैड जाओ वो विलन हो गया जैसे कब्जा करके बैठ गया हम हीरो है. तो द स्टोरीज दैट हैव कम टू अस थ्रू द फिल्म्स, गरीब लोग अच्छे होते हैं अमीर बेकार होते हैं, we have lived with that, those stories. Anybody earning money, we don't like that. But हमें चाहिए पैसे. हमें चाहिए बेटा. दूसरे की सक्सेस पे चलते हैं, बट हमें भी चाहिए. तो वो जो confusions आई है at every step through the films, through the newspapers, through the stories that have come and captured us. अर्थशास्त्र is very important to understand. Money is important. आप एक टाइम का खाना खा सकते हो बिना पैसे के? Until unless you say नहीं मुझे नहीं चाहिए पैसे, मैं फार्मिंग करता हूँ. फार्मिंग सीड्स लाने के लिए पैसे चाहिए, उसको सस्टेन करने के लिए चाहिए, हर चीज के लिए पैसे चाहिए. तो ये एक्सेप्ट करना पहले जरूरी है. सो एक्सेप्टेंस ऑफ योर साइकिल, ऑफ योर इकोसिस्टम, ऑफ योर सस्टेनेबिलिटी मॉड्यूल आपको खुद का क्रिएट करना है. ये सब जब कर लोगे फिर अल्टीमेटली एंड में आता है पीस. फिर पीस के लिए वर्क करना, पहले पैसे कमा लो, पहले अपनी इच्छाएं वगैरह पूरी कंप्लीट करो, पीस अपने आप आएगा. अपने फैमिली को टेक केयर कर लो, सब कर लो साथ का साथ. थोड़ा सा टाइम मॉर्निंग में अपना मेडिटेशन वगैरह भी. सी फॉर मी आई गेट पीस व्हेन आई एम वर्किंग, व्हेन आई एम इन बिटवीन पीपल, व्हेन आई एम द किंग मेकर और द चेंज मेकर, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल मी. When you are doing something, I'm very peaceful doing all this. So my moksha comes here, and this I will do till my last breath. मैं ये करते हुए थकती नहीं हूँ. आपने इतनी strong psychology कैसे build करी? Like आपने बताया कि आपके आपके जो husband थे उनकी भी death हुई, तो उसके बाद तो मैं basically बहुत. I think I was born evolved. I was always a different. I was always different. Do you think your psychology has evolved different? देखो जो एटम्स आए हैं किसी महान आत्मा के आगे होंगे मेरे अंदर, जो 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 बॉडी मेमोरी है वो बड़ी ही स्ट्रॉन्ग है. एंड आई थिंक आई कैन गिव द क्रेडिट टू माय पेरेंट्स हियर. माय फादर, आई लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम. वो उनको भी एक दो बार सेटबैक्स जो हुए उनको हारते नहीं देखा मैंने, वो स्क्रैच से स्टार्ट करते देखा. तो वो आया है. सी आई टेल यू, ही वाज अ वेरी बिग बिजनेसमैन, ओके, एंड देन दे हैड टू शिफ्ट टू यूएस. तो यूएस में उन्होंने बाथरूम भी साफ किए. फ्रॉम देयर टू क्लीनिंग बाथरूम्स, आई कम फ्रॉम दैट फैमिली जिनको कोई काम छोटा नहीं लगता. तो वरिया कभी ये वो मूवी है ना शाहरुख खान भी, कोई काम छोटा होता ही नहीं है. आपकी सर्वाइवल के सामने कोई काम छोटा नहीं है. अगर मुझे कुछ बनना है, अगर मुझे बिजनेसमैन ही बनना है, तो अगर मुझे मेरे को बोले पकोड़े तल लो और इसका बिजनेस शुरू करो, अगर मेरी सस्टेनेबिलिटी पे बात है तो मुझे उसमें शर्म नहीं आएगी. मैं तो तल दूँ बेचूंगे पकोड़े. योर सर्वाइवल इज योर प्रॉब्लम एंड दैट इज योर फर्स्ट धर्म. कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी फैमिली मेम्बर, नो बडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यू बट यू. You are responsible for your life. जिस दिन हमने ये responsibility ले ली, हमारे 90% victimhood card खत्म हो जाएंगे. मेरी problem मेरी है, मेरी problem आपकी नहीं है. अगर आपकी कोई बात मुझे बुरी लग रही है तो वो मेरी problem है. आपने अपनी अपने हिसाब से अपनी बात सच्चाई से मेरे सामने रख दी है. सुंदर पिचाई. How many people have been able to become Sundar Pichai? आपकी आपकी एज में सब लोग ये सोचते ना गूगल जाएंगे सुंदर पिचाई बनेंगे, क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि वो इंटरनल पॉलिटिक्स में फंस जाते. 90% ऑफ द कॉरपोरेट जनता इज नॉट वर्किंग, इज नॉट पुटिंग एफर्ट्स. वाई? दिखेंगे तो लोग उंगली उठाएंगे, जाने तो दिखना ही नहीं है, काम ही नहीं करेंगे. अरे जल्दी काम कर दिया तो और काम दे देंगे, जाने तो काम ही नहीं करेंगे. तो वो इधर ही रह जा रहे. ग्रोथ के लिए हिम्मत चाहिए होती, काम करने की, एफर्ट डालने की हिम्मत और अलग दिखने की हिम्मत. आप जब क्राउड से अलग दिखोगे तभी लीडर बनोगे, वरना नहीं बन पाओगे. भेड़ चाल में लीडरशिप नहीं होती. क्वालिटीज कैसे आ सकती है?
क्या बेस है? डर, डर हटाने होते हैं, सिर्फ खुद को जानना होता है, स्वाध्याय, सेल्फ अवेयरनेस और अपने ऊपर विश्वास। मैं ये करना चाहता हूं या मैं ये करना चाहती हूं, गोल कार्ड बनाओ, उसके डेस्टिनेशन मालूम होनी चाहिए एंड डेस्टिनेशन ऑलवेज हैव टू बी सोसाइटल हित में। मैं हटके कि अगर इफ आई रीच दैट पोजिशन हाउ मेनी मोर पीपल्स लाइफ विल आई बी एबल टू चेंज। सोसाइटल वो धर्म है, आप अकेले नहीं जी सकते। ह्यूमन बीइंग्स एज एनिमल्स आर पैक एनिमल्स, रिमेंबर दिस। तो हमारे पैक स्टार्ट्स फ्रॉम द स्मॉल पैक ऑफ अ फैमिली, गोइंग अप टू द लार्ज पैक ऑफ आर नेशन, गोइंग अप टू द लार्जर पैक ऑफ आर प्लैनेट। जैसे कि बहुत लोगों को ना चाइल्डहुड ट्रॉमास हो जाते हैं, बचपन में कुछ उनके साथ ऐसा होता है कि वो किसके साथ नहीं होता है? किसके साथ नहीं होता बचपन में कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा? किसका चाइल्डहुड एकदम परफेक्ट रहा है विदाउट एनी ट्रबल? अच्छी यही तो प्रॉब्लम है आज की जनरेशन की, वो लोग ना इस चीज को अपनी साइकोलॉजी पे लेकर के वो मतलब बहुत इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि ज्यादा सोच रहे मैं बेचारा चाइल्डहुड ट्रॉमा किसकी लाइफ में। Have I not been molested when I was a child? Of course I was. हमारे टाइम पे तो आते जाते, यूपी कैसा था तब? मैं तो यूपी की पैदाइश हूँ ना, तो क्या लेके बैठ जाऊँ, काम ना करूँ? किसको नहीं, वो चाइल्डहुड ट्रॉमा का मतलब क्या है? Until unless you have gone through something extremely hideous, like a death of a very near one or probably extremely painful. कितने होंगे वो? 1%। बाकी 99% क्यों रो रही है इतना, जो नॉर्मल चीजें नहीं झेल पा रहे? Somebody laughing at me becomes a trauma today. कैसे चलेगा? मुझे ऐसा फील हो डिफिकल्टी फेस नहीं करना चाहते हैं बात थी उसी से कि नहीं मुझे परफेक्ट होना चाहिए, नहीं होता परफेक्ट कुछ। The way the world functions, even 5 petals of a flower, apart from tulip, are not perfect. Perfect world नहीं मिलेगा, तुम्हें बनाना है perfect, effort डाल के। Effort is the name of the game. चाहे वो communication में effort हो, चाहे वो understanding में effort हो, चाहे वो पुरुषार्थ में एफर्ट हो, अपना धार्मिक पाथ पे चलो। और धर्म आपका क्या है? आपके जो गोल सेट है वो आपका धर्म है, आपका सर्वाइवल आपका धर्म है, जो आपने फिक्स किया है दिमाग में अपने लिए, फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, वो आपका धर्म है। और उसके लिए आप ही को मेहनत करनी है, कोई नहीं आएगा आपकी हेल्प करने। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यू आर फिट टू सर्वाइव, यू विल सर्वाइव, अदरवाइज कीप क्राइंग। क्या होगा, अभी तो चेंजिंग वर्ल्ड है, विथ AI कमिंग इन, विथ एवरीथिंग कमिंग इन, बहुत सी जो जॉब्स आज है वो कल होंगी नहीं। रोते रहोगे क्या करोगे? आपको बिल्ड करना पड़ेगा, यू हैव टू चेंज विद द चेंजिंग वर्ल्ड, यू हैव टू कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ, यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ। एक बार पढ़ लिया तो ऐसे में तो मेरा चेंजेस होते ही नहीं। मैंने तो कितनी पढ़ाई की आफ्टर 35, मैंने ज़्यादा पढ़ाई की है, स्कूल कॉलेज में कम किए जो 30 के बाद पढ़ाई की है। With life experience, ABC. I study even today. I am studying on a daily basis. कुछ ना कुछ रोज नया उसकी जान खाती रहती हूँ मैं संजना की। कुछ ना कुछ मिलेगा फिर ये दिख 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 दैट आई नो एवरीथिंग करके बैठ जाओगे तो कैसे होगा? आई डोंट नो एनीथिंग, आई नो नथिंग। It's an ocean out there. आपने जितना पढ़ा उतना कम है। There is always something. It's an ocean. You can gain so. Then you come across people of your age saying, "I know everything," and then you look like them. Really? Okay. ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था. So this is what happens. Till the time you will not
start or create that attitude of learning. How will you unlearn? तुम जब तक शिव को नहीं क्रिएट करोगे, ब्रह्मा कैसे क्रिएट होंगे? जो तुमने ऑलरेडी पढ़ लिया उसको ब्रेक नहीं करोगे तो नई चीजें कैसे सीखो? उसी में घूमते रहोगे फिर. सो दिस इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ शिव एंड ब्रह्मा. नॉलेज तो है, विष्णु तो है ही, शिव और ब्रह्मा का खेल है. और यहाँ खेल कहाँ से आता है? शक्ति कहाँ दे रहे हो? ध्यान किधर डाल रहे हो? उधर चेंज होएगा. जहाँ शक्ति है वहीं शिव है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस थ्रू स्पिरिचुअलिटी रादर देन सेइंग ओ शिव इज सम अघोरी बाबा सिटिंग देयर विद अ चिल्लम. नो, शिव इज इन यू. एवरी इलेक्ट्रॉन ऑफ योर बॉडी इज शिव. इलेक्ट्रॉन टूट के दूसरे के साथ जुड़ेगा नहीं तो मॉलिक्यूल बनेगा नहीं. सोचो, हाइड्रोजन बोले खड़े होकर, आई एम मोर देन यू इन वाटर, H2O, आई एम बिगर. पानी प्यास से मर जाएंगे हम सब, लाइफ ही खत्म हो जाएगी. सो यू हैव टू कम आउट ऑफ द कॉम्पिटिटिव. कॉम्पिटिशन रखो बट नाइस कॉम्पिटिशन, नो हेल्दी कॉम्पिटिशन. अच्छा, आई वॉन्ट टू बेटर देन दिस, आई वॉन्ट टू हेल्प मोर पीपल. आई एम बीइंग अ एक्टिविस्ट. आपने लाइक कभी ऐसा सीन किया है कि लाइक हाउ यू ट्रीट द थिंग लाइक जो बहुत जरूरी थी? हाँ हाँ, कोई मेन चीज आपने करी? बड़ी बहुत कुछ किया मैंने. सो मैम, लाइक अभी हमने कंक्लूड किया कि हमारी जनरेशन उसके अंदर कम्युनिकेशन गैप भी है, उसके अंदर पेशेंस भी नहीं है, उसके अंदर मोस्ट ऑफ द चीज़ आप देखोगे तो नेगेटिव चीज़ों के बहुत ज़्यादा कैसे ना कि वो प्रेरित है बेसिकली. एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप. तो बढ़ना से चाहिए भी सब कुछ. तो व्हाट डू यू थिंक ही लाइक वो कहाँ कॉन्फ्लिक्ट कर रही है चीज़ें? और मतलब वो पुरुषार्थ समझाया था ना मैंने. धर्म पहले अपना मार्क करो, अपनी डिजायर्स मार्क करो, कितने पैसे कमाने हैं उसके लिए वो मार्क करो, और अपना पीस के लिए क्या करना है वो मार्क करो. ये चार चीज़ें मार्क करो. तुम प्रॉब्लम आज की जनरेशन की जंपिंग है. वो कहीं भी खुश इसलिए नहीं है क्योंकि रियल बॉन्ड्स बना नहीं पा रहे, विक्टिमहुड ज़्यादा है. पहले स्वाध्याय करो, अपने आप को समझो, अपने से तो शर्मिंदा होना कम करो, प्रोजेक्शंस ख़त्म करो. फेक प्रोजेक्शंस है, कुछ नहीं दिखाना ज़्यादा है. नहीं आता, नहीं आता बोलने में क्या शर्म है? आई नीड हेल्प बोलने में क्या शर्म है? आई नो सो मेनी पीपल हु कांट से आई वॉन्ट. क्या ही छोटे दिख जाओगे आप? आई नीड हेल्प जब तक नहीं पूछोगे, हेल्प लेके आप बड़े हो जाओगे. थोड़ा ना वही रहोगे, क्वेश्चन पूछने में प्रॉब्लम है, बात बात पर एम्बेरसमेंट होना है. तो ग्रोथ हो नहीं रही है, मेंटल ग्रोथ हो नहीं रही है. फेक प्रोजेक्शन में चले जा रहे हैं, झूठी झूठी चांद में घूमते जा रहे हैं. तो फिर वो बर्डन का इतना बर्डन अब आप डाल लोगे तो उसमें तो पिचकना तो मस्त है ना. फिर तो डिप्रेशन और एंजाइटी होगी और कहेगा वही. इफ यू आर ट्रू टू योरसेल्फ, ओके आई डोंट नो. वो चीज़ है ना जैसे गीता में आई थी, जब वो द्रौपदी गुस्सा होकर कृष्ण जी को बोलती है कि आप देखते रहे और मेरे पति हार गए इतना बड़ा चीज. तो उन्होंने भी कहा कृष्ण जी ने कि लाइक तुम्हारी तरफ से तो मतलब, वो दुर्योधन ने कहा था कि मेरी तरफ से तो मेरे मामा है वो खेल था वो पासा फेंगेगा, बट तुम्हारे किसी भी पति ने ये नहीं कहा कि मेरी तरफ से कृष्ण ने, तो उनने अपने मेरे को कुछ माना ही नहीं, तो मैं तुम गुस्सा किस बात से हो रही? तो लाइक मुझे लगता है ना आजकल ना लोग द चॉइसेस वी मेक इन एवरी सेकंड ऑफ आवर लाइफ डिफाइंस आवर लाइफ. सो प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट एवरी यंगस्टर वॉचिंग दिस, अपनी लाइफ के चॉइसेस अपने हिसाब से क्लियर रखो और उसके लिए फिर एफर्ट डालो, फाइट डालो. कट द नॉइस, कट द एक्सटर्नल नॉइस. अगर आपको लगता है ये, पर उसमें पहले देख लो क्यों. अभी सपोजिंगली समबडी जस्ट स्टैंड्स अप एंड सेज नो आई वांट टू जस्ट बिकम अ स्टॉक ब्रोकर विदाउट हैविंग एनी नॉलेज ऑफ द फील्ड. हर फील्ड की नॉलेज लो पहले, नॉलेज बेस. सो द स्टूडेंट लाइफ हैज टू बी ओनली फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग द नॉलेज बेस. और ये नॉलेज बेस आप थ्रू आउट लाइफ बनाते रहते हो. यू हैव नेवर रीच्ड एवर. लास्ट डे ऑफ योर लाइफ ऑल्सो यूर लर्निंग अनलर्निंग, लर्निंग अनलर्निंग, लर्निंग अनलर्निंग. फॉर मैम यही रीज़न है कि आपने इतने सारे प्रोफेशन चूज करे, दी डिफरेंट डिफरेंट, और वो मतलब बेसिकली बहुत अलग थे. HM से फिर एक्ट्रेस, फिर एक्ट्रेस के बाद आप आगे सडनली साइकोलॉजी एंड वेदर एंड ऑल ऑफ दैट. सो
लर्निंग अनलर्निंग। पढ़ना आपको ऐसा कुछ लगता है जो मेजर पार्ट था जो आपने किया जिससे कि आप ये सब कर पाए? नहीं, एवरीथिंग, एवरी पार्ट ऑफ माई लाइफ हैज मेड मी हु आई एम। सपोर्ट सिस्टम व्हिच यू थिंक लाइक आपकी पूरी माइंड मतलब मेंटल इतनी स्ट्रांग थी तो वो सपोर्ट सिस्टम आपको लगा कि सपोर्ट सिस्टम सभी आ जाते ना एक लो चलो आप जब चलने लगते हो सब आ जाते पहले स्टेप पे ही सपोर्ट ढूंढने का कोई नहीं आएगा चलने लोगों के सब आ जाएंगे तो विल पावर था कि बस एकला चलो अपने आप झुंड आता है साथ में अपने आप पूरा आपका पावर आता है पीपल हैव टू वॉच एंड सी ट्रस्ट यू ना पहले मेरे बातों से ही कोई क्यों ट्रस्ट करेगा मुझे दैट्स टू मच ऑफ एक्सपेक्टेशन यू स्टार्ट वॉकिंग पीपल विल कम हम जहाँ खड़े होते लाइन वहां से स्टार्ट होती है यू स्टार्ट माय करम इज इम्पोर्टेंट यू स्टार्ट योर करम पीपल विल सी यू दे विल फॉल इन लव विथ यू दे विल ट्रस्ट यू एवरीथिंग इज आफ्टर यू स्टार्ट तो मैम लाइक एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है जो बेसिकली आप चाहते हैं हमारी ऑडियंस को ये बोलना हमारी जनरेशन को बोलना कि जिससे वो एक जो करना चाहते हैं उसको एक राइट डायरेक्शन मिले स्टार्ट यू स्टार्ट कर्म करो फल की चिंता मत करो एवरीथिंग विल फॉलो एंड डोंट बी स्केयर्ड ऑफ स्मॉल फेलियर्स दोज आर लिटिल ओवरकम देम कीप पुटिंग एफर्ट थैंक यू सो मच मैम फॉर योर वैल्यूएबल वर्ड्स एंड लाइक आपने तुम्हें राइटिंग जैम को और हमारी ऑडियंस को लाइक बहुत अच्छा लगा कि एक आपने एक एक्ट्रेस भी थी यहाँ तो उस लेवल पर बंदा अपने स्पेशलिटी को नहीं समझता है और उसके लिए वो एक लाइफ भी अलग होती है वो फेम अलग होता है बट आपने ना आप नीचे भी हैं ग्राउंडेड भी हैं तो वो चीज़ ना बहुत इन्फ्लुएंस करती है तो मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस को भी ये चीज़ बहुत पसंद आएगी तो थैंक यू फॉर थैंक यू सो मच सर।